हाय गाइस, आज मैं आपको इस टाइम के 15,000 वाले तीन सबसे जबरदस्त स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जिनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे तगड़े वाले स्पेक्स मिलेंगे। जैसे कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 65 वोल्ट के सुपर डार्क चार्जिंग का सपोर्ट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी एंड स्मूथ गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर और इसी के साथ हाई कैमरा क्वालिटी। वैसे यार 15,000 में काफी सारे फोन्स भरे पड़े हैं, पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करके टॉप लेवल के तीन सबसे तगड़े फोन्स को चूज किया है, जो आपके गेमिंग के लेवल को बिल्कुल सुप्रीम लेवल का बना देंगे एंड इनमें आपको कैमरा क्वालिटी भी बिल्कुल मस्त मिलेगी। एंड गाइस, आई एम 100% श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको काफी जबरदस्त स्मार्टफोन मिल जाते हैं। और भाई, ये वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी थी, क्योंकि अभी के टाइम पर आपको डिस्काउंट के चलते अंडर 15,000 काफी बेस्ट स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो चलिए भाई, बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। तो भाई, अब डायरेक्ट बात करते हैं स्मार्टफोन्स की और स्टार्ट करेंगे नंबर 3 से। तो तीसरे नंबर पर आता है Redmi Note 10s। ये डिवाइस केवल उन यूजर्स के लिए है जिनको 15,000 के बजट में MI और Redmi की ब्रांडिंग वाला फोन चाहिए, तो ये फोन आप लोग खरीद सकते हो। ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। वाटर प्रूफ तो नहीं है, पर हाँ वाटर रेजिस्टेंट है, जिससे अगर इस फोन के स्पीकर्स या फिर पोर्ट एंड बटन पर पानी गिर भी गया तो इससे ये बच सकता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड लगा है एंड यहाँ पर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं। इसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा, जिससे इसके मेमोरी कार्ड को आप 512 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। तो भाई, अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बड़े से थोपड़े के बारे में। तो भाई, यहाँ पर आपको 6.4 इंच की FHD+ वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी हुई है और इसी के साथ यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। भाई, 60Hz कम नहीं है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो डिस्प्ले कलर्स भी काफी अच्छे हैं और ओवरऑल देखें तो काफी कंप्लीट पैकेज डिस्प्ले का यहां पर आपको मिल जाता है। और गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इसी स्मार्टफोन को लेते हो तो इसकी स्क्रीन पर जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, तो उसको आप चेंज करा लेना। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर इसके डिब्बे में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 का गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा, जो आपको गेमिंग में काफ़ी अच्छे वाली परफॉर्मेंस देगा एंड इससे आप PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को स्मूथली खेल पाएंगे। जब आप G95 वाले स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, मतलब 2-3 महीने हैवी गेमिंग करते हो, तो थोड़ा सा लैग इशू 2-3 महीने के बाद आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। इसके बैक में आपको 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा और वहीं फ्रंट साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जो सेंटर पंच होल डिजाइन के साथ आता है। एकदम एवरेज कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में मिल जाएगी, ज्यादा अपर लेवल की नहीं। और भाई, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके कैमरे वाले डिपार्टमेंट पर Redmi को और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, अच्छे से कैमरा को ऑप्टिमाइज्ड नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रैम स्टोरेज की। तो यहाँ पर आपको 6GB की रैम मिलती है 64GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 14999। यहाँ पर आपको 6/128 का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसका प्राइस है 15999। भाई, अब आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्टोरेज वाले स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब जो ये दूसरे नंबर वाला फोन है यार, वो काफी कमाल का है और इस पावरफुल स्मार्टफोन का नाम है Realme Narzo 30 Pro 5G। गाइस, बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, अभी ऑफर्स के चलते ये स्मार्टफोन आपको 15,000 की रेंज में मिल रहा है, और अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो इससे हटकर किसी भी स्मार्टफोन की तरफ मत। इसी स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड लगा है और 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के थोपड़े के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की FHD+ वाली डिस्प्ले मिलेगी, बट यार सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 120Hz का अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। तो भाई, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है और इसी के साथ कोरिनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी, तो एक तरह से देखे कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज यहाँ पर आपको मिल जाता है। कलर्स वगैरह स्मूथनेस बिल्कुल ओके हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 30W का डार्क चार्जर के डिब्बे में ही आपको मिल जाएगा। बैक में 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। भाई, कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज लेवल की है और अगर कंपेयर करोगे इस स्मार्टफोन के 5G से तो काफी बेस्ट है। और गाइस, सबसे अच्छी बात, इस स्मार्टफोन से आप 4K वीडियोस 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। और गाइस, कैमरा के लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़े लेवल की मिल जाएगी। दोस्तों, ये फोन Dimensity 800U चिपसेट के साथ आता है, जो 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब पावर एफिशिएंट चिपसेट है, जो आपको गेमिंग में काफी तगड़े लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस का मजा देगा।
इससे आप हाई सेटिंग्स में वेरी स्मूथली गेमिंग कर पाएंगे और पावर एफिशिएंट है तो गेमिंग के वक्त बैटरी भी कम लेगा। पर यार इसी स्मार्टफोन के कैमरा ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। इसमें आपको 6GB की रैम मिल जाती है 64GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 15499 यानी कि 15,500 रुपए। और भाई अगर आप अपने बजट को 15 से 15,500 तक ले जा सकते हो तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन सुपर स्मार्टफोन। भाई अब बात करते हैं पहले नंबर के स्मार्टफोन की, और ये मेरा सबसे पसंदीदा स्मार्टफोन है जिसका नाम है द फास्टेस्ट रियलमी 7 प्रो। भाई आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने फास्टेस्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आपको 65W के सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट का स्पेस दिया हुआ है। और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जो काफी प्रीमियम सी फील देता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के थोपड़े के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की FHD+ वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जिसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी हुई है। भाई डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए 65W का सुपर डार्ट चार्जर के डिब्बे में आपको मिल जाएगा। चार्जर इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइट पॉइंट है और ये चार्जर इस स्मार्टफोन को 0 to 100% 34 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट, जो काफी बैलेंस्ड चिपसेट है एंड इस प्राइस रेंज के अंदर काफी अच्छा माना जाता है। इससे आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स में इजीली खेल पाएंगे, काफी स्मूथनेस मिलेगी एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे वाली मिलेगी। यहाँ पर आपको बैक में 64MP के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा जिसमें सोनी IMX682 का सेंसर यूज किया हुआ है, और फ्रंट साइड में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाए। भाई इसके दोनों कैमरों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है और भाई इस प्राइस पॉइंट में इस स्मार्टफोन की टक्कर का कैमरा आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरे के लिए इस स्मार्टफोन को मेरी तरफ से 10 में से 10। यहाँ पर आपको 6GB की रैम मिलती है 64GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 15999। भाई अभी इसी स्मार्टफोन पर डिस्काउंट है जिस वजह से ये स्मार्टफोन आपको 16,000 की कीमत में मिल रहा है। तो भाई ये थे टॉप 3 सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस पॉइंट के। तो भाई अगर अब आप लोगों को डाउट है कि कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा तो वो डाउट भी मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूं। तो भाई अगर आपका बजट 15,000 है और आपने 15,000 पर लाइन खींच दी है तब आप लोग Redmi Note 10S की तरफ जा सकते हो, और इसी के साथ आप Realme 8 को भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। इसी के साथ अगर आपको 5G के साथ एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और आप अपने बजट को 15,500 तक ले जा सकते हो तो Realme Narzo 30 Pro 5G आप लोगों के लिए एक लौता ऑप्शन है। काफी सुप्रीम लेवल की परफॉर्मेंस वहां पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप अपने बजट को 16,000 तक ले जा सकते हो तो भाई नो डाउट Realme 7 Pro काफी धमाकेदार स्मार्टफोन है। और भाई अगर मुझे इनमें से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना हो तो मैं अपने बजट को 16,000 तक ले जाऊंगा, 1,000 इंक्रीज करूंगा और Realme 7 Pro को परचेज करूंगा, क्योंकि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो भाई आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।